फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी देने वाला स्पेशल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आज फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि FCI की है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई है। मैनेजर की है, मैनेजर ग्रेड सेकेंड ए की पोस्ट है। तो चलिए गाइज, इसकी देखते हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक एक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। और इसी प्रकार आपको लेटेस्ट वैकेंसी, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट की हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी स्पेशल स्टेट की वैकेंसी हो, उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिलेगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि इस वैकेंसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के जो इसका वो रिलीज किया गया है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, उसके वो देख लेते हैं। देखिए, हम आ चुके हैं इसके नोटिफिकेशन पर। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया है 02/2022 FCI कैटेगरी सेकेंड, तो ये कैटेगरी सेकेंड के लिए है। और देखिए फ्रेंड, जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए है, यानी मैनेजर इन FCI में मैनेजर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो देखिए, देखते हैं इसमें, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर जनरल डिपोर्ट मूवमेंट अकाउंटेंट टेक्निकल सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। कैंडिडेट विल सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी, एज विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ ओनली कंसोलिडेटेड। तो गाइज, इसमें देखिए, ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टिपेंड भी दिया जाएगा, यानी कि जो आपको यही उसमें खर्चे वगैरह वो सब पेमेंट किया जाएगा। और देखिए, इसमें जो सैलरी होगी फ्रेंड, देम द रेट ऑफ 14,000 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पीरियड आपको इसमें जो ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी दी जाएगी, स्टिपेंड दिया जाएगा, वो भी 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और देखिए, स्केल आप देखिए, इसमें स्केल 40,000 से 1,40,000 तक की सैलरी है। सक्सेसफुल होने पर इसमें आपको सिलेक्शन के दौर बाद, तो ये थी इसमें सैलरी। तो सैलरी भी बहुत शानदार है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें जोन वाइज इसमें कितनी कितनी पोस्ट डिवाइड की गई है उसे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, नॉर्थ जोन में कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए। नॉर्थ पोस्ट में देखिए, मैनेजर के लिए जो है, SC कैंडिडेट के लिए कोई भी पोस्ट नहीं, केवल OBC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं OBC के लिए। और PWD में भी 1 पोस्ट है, कोई पोस्ट नहीं है। इस प्रकार देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई, जनरल मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है ओपन वैकेंसी में, और PWD यानी जो फिजिकली डिजेबिलिटी है या दिव्यांग कैंडिडेट, उनके लिए भी 1 पोस्ट रिलीज की गई है। तो इस प्रकार ये डिवाइड किया गया है, मैनेजर डिपोर्ट के लिए कितनी पोस्ट है ये देख सकते हैं। तो अलग अलग ये वैकेंसी रिलीज की गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये था नॉर्थ जोन के लिए। और साउथ जोन के लिए देखिए, तो फ्रेंड जैसा कि नॉर्थ जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये देख सकते हैं आप, 38 पोस्ट है ओपन वैकेंसी की, और PWD जो दिव्यांग कैंडिडेट, उनके लिए 11 पोस्ट है, ये नॉर्थ जोन के लिए। और देखिए साउथ जोन में, साउथ जोन में आपको ओवरऑल आपको बता दें कितनी पोस्ट है, टोटल जो मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपोर्ट, मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल सिविल इंजीनियर और मैनेजर हिंदी, ये सारी पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर जो पोस्ट है वो 16 पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। तो ये है साउथ जोन के लिए। अब देखिए वेस्ट जोन के लिए, जोन वाइज आपको ओवरऑल बताते हैं। तो इसमें भी देखिए, वेस्ट जोन के लिए जो है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 3, और EWS के लिए कितना पोस्ट है, 2 पोस्ट है, और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 20 पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए, वेस्ट जोन के लिए। और देखिए ईस्ट जोन के लिए, ईस्ट जोन के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो केवल 2 पोस्ट है,
वो भी किस किस के लिए है? मैनेजर डिपोर्ट के लिए ओबीसी कैंडिडेट की एक पोस्ट है, और मैनेजर जनरल के लिए एससी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है, और इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए एक पोस्ट है। तो ये ईस्ट जोन था। और देखिए ईस्ट जोन के लिए फ्रेंड ये और कुछ पोस्ट है, ये टोटल 21 पोस्ट है ईस्ट जोन के लिए। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए कितनी पोस्ट है, जो टोटल पोस्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए 18 पोस्ट है, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैंडिडेट की टोटल मिलाकर 18 पोस्ट है, 18 पोस्ट, और जो पीडब्ल्यूडी है 2 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी डिवाइड की गई है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं जोन वाइज, ये देख सकते हैं फ्रेंड जोन वाइज किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, आप देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि जनरल मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ये देख सकते हैं। या आपके पास CA, CA, ICA, WA या CS कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड नोट, इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट मिनिमम परसेंटेज आप 55%, यानी SC ST और PWD कैंडिडेट के जो परसेंटेज हैं वो 60 के बजाय 55% होगा, तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर डिपोर्ट के लिए देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 60%। और देखिए इसी प्रकार मैनेजर मूवमेंट के लिए इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और 60% मार्क्स। और देखिए फ्रेंड मैनेजर अकाउंटेंट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एसोसिएटेड मेंबरशिप ऑफ, देखिए इसके मेंबर होना चाहिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या सेकेंड नंबर देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या आपका इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मेंबरशिप होना चाहिए हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी जानी मानी जो यूनिवर्सिटी उससे आपका BCom कंप्लीट होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम MBA होना चाहिए, वो भी फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर रिकॉग्नाइज UGC या AICTE से। तो ये आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, MBA फुल टाइम होना चाहिए डिग्री, या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वो भी फाइनेंस से। या आपके पास देखिए और ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट टाइम MBA होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा नॉट इन नेचर इन डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज UGC ये होना चाहिए। और या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन MBA की डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा बाय डिस्टेंट एजुकेशन मोड रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC और DEC ज्वाइंट कमिटी ये होना चाहिए। तो ये था मैनेजर अकाउंट के लिए। और देखिए फ्रेंड मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री हो या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए। और देखिए मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी, इसमें आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हो डिग्री होनी चाहिए आपके किसी भी इंस्टीट्यूट से या आपके यूनिवर्सिटी से, या इसके समकक्ष आपके कोई डिग्री हो। और देखिए मैनेजर हिंदी के लिए इसेंशियल होना चाहिए मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो भी या इक्विवेलेंट यानी इसी की समकक्ष हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल, या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश विद हिंदी, ये देखिए मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये आपके पास होना चाहिए किसके लिए, मैनेजर हिंदी के लिए, तो डिग्री मास्टर डिग्री आपके पास जरूर होना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखते हैं आगे, अब देखिए फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए सबमिशन ऑफ
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद फी पेमेंट विल कमेंस फ्रॉम 27 अगस्त 2022, यानी कि 27 अगस्त से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा विद पेमेंट, यानी पेमेंट के साथ। और देखिए लास्ट डेट एंड टाइम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, उसकी लास्ट डेट जो है 26 सितंबर 2022 है, यानी कि आप फॉर्म 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड, इसमें जो एडमिट कार्ड या आपका ई कॉल लेटर जो होगा वो वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा जब इसे इसके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले। और देखिए इसका एग्ज़ाम कब शेड्यूल किया गया, उसकी डेट की जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं http://fci.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको टेंटिवली इन मंथ ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर तक इसमें एक टेंटिवली यानी संभवता पूर्ण बताया गया है कि दिसंबर मंथ में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ये अभी कंफर्म में नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा आपको इसके वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑनलाइन बेस पे इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड, इसमें कैंडिडेट में विजिट द एफसीआई वेबसाइट fci.gov.in रेगुलर अपडेट, तो आगे की अपडेट के लिए आप इसकी वेबसाइट पर बने रहिए। और देखिए द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 27 अगस्त 2022, यानी कि 27 अगस्त 2022 से लेकर 26 सितंबर 2022 तक इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद डीएक्टिव हो जाएगा। और क्या इंफॉर्मेशन है आगे देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए इसमें जो भी पोस्ट है, मैनेजर के लिए जनरल, रिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस बेस पे किया जाएगा। देखिए द सिलेक्शन विल बी कंसिस्टेड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग, तो इसमें 3 बेस पे होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके जो मार्क्स हो गए उस पर बेस्ड होगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग होगी। इसके इन तीनों बेस्ड पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और देखिए इसमें मैनेजर हिंदी के लिए जो है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टेड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू, इसमें ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दिया जाएगा केवल मैनेजर हिंदी के लिए, इसमें ट्रेनिंग नहीं होगी। और देखिए फ्रेंड, ऑनलाइन टेस्ट किस बेस पे होगा, इसमें 2 फेज में होगा, फेज 1 एंड फेज 2 का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसमें देखिए द ऑनलाइन टेस्ट फेज 1 सेल कॉमन इरी इंस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, द टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट इज फॉलो एज, तो इसमें देखिए फेज 1 का एग्ज़ाम किस प्रकार कराया जाएगा, जैसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के 25 और जनरल स्टडी, और देखिए फ्रेंड हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, UP 2 क्लास 8 टू 20 क्वेश्चन ये होगा। तो इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप इसके लिए अटेंड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें फेज 2 देखिए पैटर्न ऑफ पेपर्स फॉर फेज 2 ऑनलाइन टेस्ट, फेज 2 में देखिए पेपर 1 में जो 120 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे वो भी किस सब्जेक्ट से होंगे। देखिए पेपर 1 जो होगा 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें पेपर 2 जो होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, पेपर 3 जो होगा 120 क्वेश्चन इसमें होंगे, और पेपर 4 होगा यानी फेज जो सेकेंड होगा उसमें 4 पेपर होंगे, 4 पार्ट में होंगे। और देखिए पार्ट 4 में देखिए द 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश के लिए होगा। और पार्ट 2 देखिए इसमें देखिए 1 पैसेज होगा ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ऐसे लिखने को आएगा और प्रीसिस आएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार ये जो सेकंड फेज होगा उसमें 4 पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कितने क्वेश्चन होंगे, किसके लिए कितना टाइम होगा, पेपर 1 जो 90 मिनट का होगा यानी 1.5 घंटे का, पेपर 2 जो होगा वो होगा 60 मिनट का, पेपर 3 भी 90 मिनट का होगा, और पेपर 4 भी 90 मिनट का होगा। इस प्रकार फ्रेंड ये होगा। और देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4 फेज 2 ऑनलाइन टेस्ट में देखिए इस प्रकार होगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन
20 क्वेश्चन होंगे। तो ये था फ्रेंड पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए फ्रेंड यदि आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन जो कि हमारे इस वीडियो में छूट गई है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग होती जा रही है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आपको डाउट होगा किसी भी प्रकार का, किसी पोस्ट से या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से या किसी भी सेक्शन से आपको कोई डाउट हो, तो हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में कमेंट करके कमेंट रिप्लाई ले सकते हैं। और फ्रेंड इसके लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारीexpert.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं इसी के साथ लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।